जय हिंद फैमिली, तो मैं हूँ कृत पंचाल और आज मेरे सामने खड़ी है टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइड्रेटर का वी वेरिएंट और ये ऑल व्हील ड्राइव में आपको मिल जाती है उसी के साथ। तो आप फ्रंट से शुरुआत करते हैं और फ्रंट विड्थ की बात करते हो 1795 mm की फ्रंट विड्थ मिल जाती है उसी के साथ। ऐसी कुछ फ्रंट की डिज़ाइन है जिसमें कि आपको क्रोन लाइन मिल जाती है और इसकी ग्रिल की बात करें तो आपके फुल्ली क्रोम में आपको ग्रिल मिल जाती और ये 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट कैमरा। और हेडलाइट की बात करें तो आपको प्रोजेक्टर बेस्ड LED हेडलैम्प मिल जाते हैं उसी के साथ। ये आपकी DR है जिसमें कि आपको इंडिकेटर साथ में ही मिलेगा। तो ये फ्रंट की बात हो गई, तो बढ़ते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। तो ऐसी कुछ इसकी साइड प्रोफाइल मिल जाती है जिसमें लेंथ की बात करें तो 4365 mm की लेंथ और व्हील बेस की बात करें तो 2600 mm का व्हील बेस और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। और हाइट की बात करें तो 1645 mm की हाइट मिल जाती है। और ऐसा कुछ इसका ओवरव्यू है जिसमें कि आपको साइड इंडिकेटर इंटीग्रेटेड मिल जाते हैं और ये 360 डिग्री का कैमरा। और अब टायर की बात करें तो 215/60 R17 in का टायर मिल जाता है। तो ऐसा कुछ इसका अलॉय है। ऑल फोर टायर में आपको डिस्क मिल जाता है। तो ऐसा कुछ इसका हैंडल है जिसमें कि आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है और ये आपको टायर की क्लाइडिंग के साथ बेक क्लाइडिंग। तो अब बढ़ते हैं रियर की तरफ। तो ऐसा कुछ इसका रियर मिल जाता है जिसमें बीचों बीच टोयोटा का लोगो उसी के साथ ये रियर कैमरा अर्बन क्रूजर हाइड्रेटर की बेजिंग और इसकी टेल लैम्प जिसमें कि आपको ऑलवेज ऑन ये टेल लैम्प जलती रहती है। बेक लाइट रिफ्लेक्टर उसी के साथ आपको इंडिकेटर और बेक लाइट मिल जाती है और ये बेक क्लाइडिंग मिल जाती है उसी के साथ। इसमें 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं और ये एक वाइपर डिफोगर एंड शार्पिन एंटीना मिल जाता है जिसमें कि ऐसी कुछ आपकी रूफ रेल्स मिल जाती है। और ये ऐसा कुछ इसका डिज़ाइन जिसमें कि आपको एक क्रोम लाइन भी मिल जाती है वो आगे तक जाती हुई। तो अब बूट को खोलते हैं और देखते हैं इसको कितना आपको बूट स्पेस मिल जाता है। तो ऐसा कुछ इसका बूट स्पेस है जिसमें आपको 373 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। और ये बूट के लिए लाइट इसमें आपको ठेली टांगने के लिए हुक मिल जाता है। और टायर की बात करें तो आपको 17 इंची का टायर मिल जाता है सेम साइज का जिसमें कि आपको स्टील रिम मिलता है, अलॉय नहीं मिलता है। और ये 12 वोल्ट का सॉकेट। तो और ये हो गए। तो ऐसा कुछ इसका बूट स्पेस है। तो बंद करते हैं और चलते हैं इंटीरियर की तरफ। तो ऐसा कुछ हाइड्रेटर का इंटीरियर मिल जाता है जिसमें डोर की बात करें तो ऐसा कुछ इसमें डोर है जिसमें कि आपको ओल्ड पावर विंडो मिल जाती और टॉप डाउन के साथ ड्राइवर साइड और ये लॉक अनलॉक के लिए और ये और भी एडजस्ट करने के लिए फोल्ड और अनफोल्ड करने के लिए जिसमें कि आपको ये लेदर फिनिश भी मिल जाती है सॉफ्ट टच में। वाटर होल्डर, पॉइंट होल्डर और ये आपको स्पीकर उसी के साथ ट्विटर। ऐसा कुछ इसका डोर है जिसमें कि आपको सिल्वर कलर की फिनिश भी मिल जाती। तो आप चलते इंटीरियर की तरफ। तो ऐसा कुछ इसका स्टीयरिंग है जिसमें कि आपको बीचों बीच टोयोटा का लोगो, ये हो गए आपके स्टोरेज के कंट्रोल और ये आपके क्रूज कंट्रोल। तो ऐसा कुछ इसकी MID मिल जाती है जिसमें कि आपको टेकोमीटर और स्पीडोमीटर मिल जाता है। बीचों बीच आपको MID मिल जाती है। तो ऐसा कुछ इसका लुक है। स्टीयरिंग की बात करें तो 9.5 इंच का स्टीयरिंग मिल जाता है उसी के साथ ये 1000 बटन और ये ऑटोमेटिक AC और ये AC के कंट्रोल उसी के साथ 12 वोल्ट का इसमें सॉकेट और USB सॉकेट मिल जाता है। ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने के लिए बटन, 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स उसी के साथ, ये स्नो और स्पोर्ट मोड और ये पुश ऑटो करके ऑटो के लिए बटन और ये हो गया इसका आर्मरेस्ट जिसकी स्टोरेज कुछ ऐसी है। ये आपको स्लाइडेबल भी मिल जाता है। लगभग इसका इंटीरियर आपको ब्रेजा जैसा ही मिलेगा, ब्रेजा और जो आपकी आ रही बलिनो उसका जैसा ही इंटीरियर मिल जाता है। और वाकई में ये गाड़ी बिल्कुल ग्रैंड विटारा जैसे ही दिखती है, अंदर से देखो तो भी कम्प्लीटली वैसे ही दिखती है। तो ये हो गया इसका ग्लव बॉक्स की बात करें तो ऐसा कुछ इसका ग्लव बॉक्स मिल जाता है। तो ऊपर की बात करें तो सनग्लास होल्डर लाइट के लिए और ये पेनारोमिक सनरूफ के लिए। तो इसमें आपको पेनारोमिक सनरूफ मिल जाती है
तो ऐसा कुछ इसकी हेडरेस्ट है। सीट की बात करें तो आपको ऑल लेदर में आपको सीट मिल जाती है। इसमें आपको कुशनिंग भी बराबर ही मिलेगी टॉप मॉडल के। तो ऐसा कुछ इसका इंटीरियर है। अब चलते हैं बैक सीट की तरफ। तो ये हो गया इसका बैक डोर। डोर की बात करें तो फ्रंट डोर की तरह इसमें भी आपको लेदर कुशनिंग मिल जाएगी। उसी के साथ ये आपके ग्लास के लिए बटन हैंडल, ऐसी कुछ इसमें आपको सीट मिल जाती है। अंदर बैठते और देखते कितना स्पेस मिलता है। फ्रंट सीट मेरे बराबर एडजस्ट है, मेरी हाइट है 6 फीट, तो इतना कुछ इसका स्पेस बच रहा है। पीछे से देखे तो आगे का कुछ ऐसा इंटीरियर दिखता है। ये होगा इसके ग्रेब हैंडल और ये बैक लाइट। इसमें दो आपको बैक लाइट मिल जाती है। सनरूफ की बात करें तो अपने पीछे वाले सीट तक बराबर आता है सनरूफ। पीछे आपको एसी विंड मिल जाती है। उसी के साथ ये आपको दो पावर सॉकेट मिल जाते हैं। फोन रखने के लिए जगह यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिल जाता है। और ये आर्मरेस्ट जिसमें कि आपको दो कप होल्डर मिल जाते हैं। आर्मरेस्ट को जैसे ही बंद करोगे तो ये तीसरी सीट भी बन जाएगी, क्योंकि इसमें 3 हेडरेस्ट आपको मिलते हैं जो कि आपके फिक्स नहीं है। इसमें पाँचों के पाँचों हेडरेस्ट आपको फिक्स नहीं मिलेंगे, आप जैसे चाहो ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। तो ये ऐसी कुछ गाड़ी है। तो अब चलते हैं इंजन की तरफ। इंजन की बात करें तो 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो आपकी 101 bhp की पावर और 136 nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो वी वेरिएंट की ऑल व्हील ड्राइव में प्राइस की बात करें तो एक शोरूम प्राइस 17.20 लाख है। और ऑन रोड की बात करें तो दिल्ली की बात करें तो इसमें ऑन रोड आपको समथिंग 20 लाख रुपए की पड़ जाएगी। माइलेज की बात करें तो कंपनी क्लेम इसको 19 का माइलेज दे दिया गया है, तो ये 19 का माइलेज कंपनी क्लेम है। उसी के साथ ये ऑल व्हील ड्राइव में और ये वेरिएंट है अर्बन क्रूजर का वी वेरिएंट। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।